तो स्वागत भाई आप सभी लोगों को एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो बायजूस पोंडुचेरी टी10 लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का तीसरा मैच और टूर्नामेंट का 15th मैच यानी कि 15वां मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा यहाँ पर किंग्स वर्सेज टाइटन्स के बीच में। दोनों ही टीम्स की कहानी बिल्कुल डिफरेंट रही है टूर्नामेंट में, और साथ ही साथ बता दो यहाँ पर भाई दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में हाजिर है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा, इजीली भाई आप इस मैच में काफी अच्छी विनिंग करने वाले हो। तो चलिए भाई अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले मैच की डेट एंड टाइमिंग की। तो डेट भाई आज की रहने वाले यानी कि 23 मई, टाइमिंग की बात करें तो भाई आप देख सकते हो दोपहर को 2 बजे मैच खेला जाएगा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। वहीं अगर बात करें वेन्यू की तो आप देख सकते हो क्रिकेट एसोसिएशन पांडुचेरी ग्राउंड में मैच खेला जाएगा और पूरी लीग यहीं पर खेली जानी है। पिच की अगर बात करें तो भाई बैलेंस विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। तो यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि यहां पर आप बैलेंस टीम बनाओ, और साथ ही साथ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी इस टीम में जो भी मेरा चेंजमेंट होगा अभी हम जो भी बात करेंगे उस टीम में जो भी चेंजमेंट होता है या फिर जो भी कुछ इंप्रूवमेंट होती है या कोई नया प्लेयर खेलता है तो उन सभी के स्टेट्स वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी के अभी आप डिस्क्रिप्शन से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो @KPMF11। ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में आपको लिखने सर्च करने के लिए, मैं एक बार आपको सर्च करके दिखा देता हूँ @KPMF11 आपको सर्च करना है। और यहाँ से जो आपको टॉप पर चैनल दिखे ना 5900 सब्सक्राइबर्स वाला यानी कि भाई 5900 मेंबर्स की जहाँ पर फैमिली दिखे टेलीग्राम पर वही हमारा चैनल रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 5.9K की फैमिली हमारी और इसी चैनल पर आपको ज्वाइन होना है। इसके अलावा भाई जो भी हमारे चैनल मतलब इसके अलावा जो भी कोई और आपको चैनल दिखे KPM फैंटेसी एक्सपर्ट के वो भाई बिल्कुल फेक रहेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ पर आप ये जो नीचे चैनल दिख रहा है 6900 सब्सक्राइबर वाला 6.9K की फैमिली वाला ये भाई बिल्कुल फेक है और यहां पर आपको बिल्कुल ज्वाइन नहीं होना है। अब चलिए यहां पर भाई बात कर लेते हैं सबसे पहले भाई दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की। तो किंग्स की टीम की अगर बात करें यानी कि KGS की बात करें तो अभी तक भाई अनडिफिटेड टीम है, पहला मैच नो रिजल्ट में एंड हुआ था उसके बाद लगातार 2 मैच विन करके आ रही है। टाइटन्स की अगर बात करें तो भाई 3 के 3 मैच लगातार हार के आ रहे हैं। वेन्यू की अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल जो 12 मैच खेले गए उसमें 4 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया और भाई 7 मैच बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने, जबकि 1 मैच नो रिजल्ट में भी एंड हुआ है। एवरेज स्कोर की बात करेंगे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 100 से 120 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। वेदर की अगर बात करें तो वेदर यहाँ पर क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस ना के बराबर रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें टाइटंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टैट्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिद्धार्थ नायडू ये आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, पहले मैच में 0 रन, दूसरे मैच में 1 डाउन बैटिंग की थी 20 रन बनाए, तीसरे मैच में फिर से ओपनिंग की 6 रन बनाए। जय पांडे की बात करें लगातार टॉप ऑर्डर में खेल रहे, 9 रन बनाए पहले मैच में, दूसरे मैच में 2 रन बनाए प्लस 1 ओवर गेंदबाजी में विकेटलेस, लेकिन लास्ट मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है 43 रन बनाए प्लस भाई 1 ओवर की गेंदबाजी एक विकेट भी निकाला है। कुशल प्रजापत की बात करें तो ओवरऑल स्टैट्स आप देख सकते हो यहाँ पर 190 मैच में 43 रन पर 109 विकेट, गजब का प्लेयर है, लेकिन लास्ट मैच एक ही मैच खेला है और ये भाई अभी जो रिसेंटली लास्ट मैच हुआ उसी में खेले थे और 0 रन पर आउट हो गए थे। आमिर जीशान लगातार खेल रहे, 13 मैच में 384 रन, स्टैट्स काफी अच्छे लेकिन भाई इस सीजन कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट मैच में जरूर 17 रन बनाए थे, उसके पहले 1 मैच में 1 रन, दूसरे मैच में 2 रन और अभी तक 3 मैच में भाई 2 ओवर में गेंदबाजी की और 1 विकेट इन्होंने निकाला है। जॉर्ज सैमुअल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मैच में बैटिंग आई थी, 1 मैच में 6 रन, दूसरे मैच में 9 रन। टोटल स्टैट्स की बात करें तो 8 मैच में 6 रन है और भाई 3 विकेट भी इन्होंने निकाल रखे। नितिन प्रणव की बात करें 2 मैच में बैटिंग आई, 1 मैच में 10 रन, 1 मैच में 1 रन। सिद्धार्थ गुरिंदर सिंह की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो पहले मैच में 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरे मैच मतलब पहले मैच में 6 रन बनाए प्लस 1 विकेट लिया। वहीं अगर बात करें दूसरे मैच की तो 1 विकेट यहाँ पर भी लिया हालांकि 8 रन नहीं बना पाए। तीसरे मैच की बात करें तो यहाँ पर भी भाई 1 विकेट इन्होंने निकाला था। जे मणिकंदन की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 14 मैच में 234 रन प्लस 11 विकेट के ओवरऑल स्टैट्स है। पहले मैच की बात करें तो भाई यहाँ पर 36 रन दिए प्लस 2 ओवर गेंदबाजी में यहाँ पर विकेटलेस रहे, 36 रन बनाए जबकि भाई 2 ओवर गेंदबाजी में विकेटलेस रहे। यहाँ पर लास्ट के 2 मैच में कुछ हल्की परफॉर्मेंस है, जो सेकंड मैच था उसमें 4 रन, तीसरे मैच में 16 रन। थरुण की बात करें, थरुण जे की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13 रन बनाए, 16 रन बनाए प्लस भाई 8 रन बनाए, मोस्टली मैचेज में नॉट आउट गए यानी कि डेथ मतलब जो डेथ ओवर है उनमें अच्छी खासी हिटिंग करके जाते हैं अपनी टीम के लिए। राजा
अच्छा विजय की बात करें तो 10 मैच में 251 रन प्लस 3 विकेट, अच्छा खासा बैट्समैन है, लेकिन भाई काफ़ी नीचे बैटिंग इसकी आ रही है। तीनों मैच में भाई दो दो ओवर की कंप्लीट गेंदबाजी करवाई, यहाँ पर अगर बात की जाए तो भाई दो विकेट इन्होंने निकाले भी हैं। उज्ज्वल कुमार सिंह की बात करें तो लगातार भाई विकेट निकालने में कामयाब रहा है, यहाँ पर अगर बात करें तो दो विकेट निकाले, उससे पहले वाले मैच में एक विकेट निकाला और लास्ट मैच में विकेटलेस, यानी कि तीन मैच में तीन विकेट, ओवरऑल स्टेट्स नौ मैच में आठ विकेट निकाल चुका है। अभिन मैथ्यूज की बात करें तो भाई पहले मैच में विकेटलेस गए, दूसरे मैच में भाई 6 रन भी बनाए प्लस भाई एक विकेट निकाला, तीसरे मैच में दो विकेट, यानी कि तीन मैच में तीन विकेट, ओवरऑल स्टेट्स भी आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 8 मैच में 7 विकेट निकाल चुका है। इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा। बेंच की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोहित डी आपको दिखेंगे 37 मैच में 511 रन, पी कुमार की बात करें 118 मैच में 1359 प्लस 162 विकेट, वहीं अगर प्रभु इसकी बात करें तो 60 मैच में 1100 रन प्लस भाई 8 विकेट इन्होंने निकाल रखी है। किंग्स की यहाँ से बात करें तो यहाँ पर आप देखिए इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही गजब खेल रहा है, टॉप के 3 जो प्लेयर है वो काफ़ी गजब खेल रहे हैं। पहले मैं इसकी बात करें तो भाई सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो 7 मैच में 50 रन बना रखे भाई अरविंद राज रविचंद्रन ने, लेकिन इस सीजन पहले मैच में 35, दूसरे में 37, तीसरे में 36, लगातार अच्छी खासी नोक खेल के जा रहा है। एक कमलेश्वरन की बात करें तो आप देख सकते हैं 10 मैच खेले भाई टोटल 218 रन है, यहाँ पर अगर बात करें तो दूसरे मैच में थोड़ी हल्की परफॉर्मेंस आई, वरना पहले में 43 रन, दूसरे में तीसरे में 67 रन। वहीं अगर बात करें पहले मैच में 2 ओवर गेंदबाजी की थी विकेटलेस गए, भूपेंद्र चौहान पहले मैच में 2 ओवर में 1 विकेट निकाला प्लस 14 रन भी बनाए, दूसरे मैच में 50 लगाए प्लस 2 विकेट निकाले, तीसरे मैच में भाई बैटिंग आई नहीं और यहाँ पर भाई 1 विकेट इनका इन्होंने निकाला था, ठीक है। इसके बाद सतीश जांगर की बात करें तो 2 मैच खेले, 1 मैच में बॉलिंग नहीं, 1 मैच में 1 विकेट निकाला, और जिस मैच में बैटिंग आई थी उसमें 1 मैच में बैटिंग आई उसमें भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 14 रन भी इन्होंने बनाए। माथन रतिराम की बात करें तो 1 ही मैच खेला था, 1 ही रन बनाए। वहीं अगर एस राजाराम की बात करें तो 5 मैच में 6 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो भाई 2 मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाला टोटल अगर देखा जाए तो। वहीं अगर बात करें तो भाई 1 मैच में इनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई थी। जी थिवागर की बात करें लगातार फ्लोप रहे, पहले मैच के बाद पहले मैच में 3 विकेट निकाले, उसके बाद पूरी तरीके से फ्लोप है, बैटिंग अभी तक की नहीं है इन्होंने। 8 मैच में 90 रन बनाए और भाई 6 विकेट भी निकाल चुका है। ताजवीर सिंह की बात करें तो भाई 3 मैच में 3 विकेट है, लगातार 2-2 ओवर गेंदबाजी करते नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें मंगेश एच की तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 विकेट इन्होंने निकाला 2 ओवर गेंदबाजी में, लास्ट में आके 1 ओवर में भाई 1 ओवर में इन्होंने बॉलिंग करवाई थी हालांकि विकेटलेस गए। वहीं अगर बात करें दूसरे मैच की तो बैटिंग बॉलिंग आई नहीं। शिशिर एचआर की बात करें तो भाई 3 मैच में विकेटलेस गए, पहले मैच में हालांकि बॉलिंग नहीं आई, लास्ट के 2 मैच में पूरी तरीके से आप मान सकते हो फ्लोप रहा है। गौतम श्रीनिवास की बात करें तो इन्होंने भाई अभी तक कुछ यहाँ पर खास खेला नहीं है, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बेंच स्ट्रेंथ की तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, बाकी जो फाइनल टीम होगी वो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख ही लीजिएगा, वहीं पर भाई आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये काम आपको जरूर से कर लेना। आप चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं डेमो टीम की। अगेन मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको डेमो टीम तो बना के दिखा रहा हूं, लेकिन जो मेरी फाइनल टीम है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए आपको सर्च करने के लिए क्या करना है, @KPMF11 सिंपली इतना सर्च करना और आपको यहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। आप अगर बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हो जो मतलब डेमो टीम है उसमें सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर भाई आर्यन राजा अरविंद राजा हमारे लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, इसके अलावा यहाँ पर बात करें कमलेश्वरन मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आप जी थिगावर को ट्राई कर सकते हो बट अभी के लिए ड्रॉप करेंगे, जय पांडे जय मणिकंदन दोनों हमारी टीम में रहेंगे। वहीं अगर बात करें यहाँ से बी चौहान ए जीशान हमारी टीम में रहेंगे, इसके उज्ज्वल कुमार सिंह हमारी टीम में रहेंगे, इसके अलावा एस राजाराम को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करूँगा, हो सकता है अभी मैं रख भी लूँ बट अभी पहले भाई बॉलर्स की तरफ देखते हैं। एस गुरविंदर सिंह मस्ट पिक प्लेयर ऑलराउंडर प्लेयर, सतीश जांगर बी की बात करें तो बेहतरीन बॉलर है, जरूर से ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो ए मैथ्यूज को, अब आप राजा विजय और यहाँ से एस मंगेश और या फिर भाई आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो जो एक मिनट भाई यहाँ पर कहाँ पे गया, कुशल प्रजापत आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, अगर खेलता है तो आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर यहाँ से होने वाला है तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो या फिर भाई आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो कहाँ पे एक मिनट भाई कहाँ पे गया एस राजाराम को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए मैं 4 बॉलर्स के साथ जा रहा हूँ, कैप्टन भाई यहाँ पर बी चौहान रहेगा यानी कि भाई भूपेंद्र चौहान, इसी की अगर बात करें तो भाई कमलेश्वरन रहेगा। फाइनल टीम में हो सकता है कुछ चेंजमेंट आपको देखने को मिले, उसके लिए भाई टेलीग्राम चैनल जरूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।